देश में सबके लिए एक सा कानून होना चाहिए, जिसके लिए जरूरी है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। लेकिन सिर्फ एक राज्य उत्तराखंड में लागू होने से कई लोगों को मिर्ची लगने लगी। मुस्लिम समुदाय के साथ साथ कांग्रेसी नेता भी यूसीसी पर बोलने लगे हैं। मुस्लिमों का रहनुमा माने जाने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को गैर जरूरी बताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने कहा, जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, हमारी राय है कि प्रत्येक कानून में एक रूपता नहीं लाई जा सकती। यदि आप किसी खास समुदाय को इस यूसीसी से छूट देते हैं तो इसे एक समान कोर्ट कैसे कहा जा सकता है। संविधान का आर्टिकल 25 अभी भी है। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। मुसलमानों में शादी विवाह के लिए शरिया लॉ 1937 से मौजूद है। हिंदुओं सिखों के लिए कानून मौजूद है। ऐसे में किसी यूसीसी की जरूरत नहीं है। बाकी हमारी टीम इस बिल की कॉपी मिलने के बाद इसे पढ़ेगी, फिर आगे का फैसला लिया जाएगा। मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब ने अभी बिल पढ़ा नहीं और बिल बिलाना शुरू कर दिया। उधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने इस मामले को सियासी बताते हुए कहा है, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों के पास भी गिनाने के लिए काम के तौर पर कुछ नहीं है। उत्तराखंड की सरकार कानून व्यवस्था से लेकर महिला सुरक्षा तक में पूरी तरह विफल हो चुकी है। पुष्कर सिंह धामी के पास और कोई तरीका नहीं बचा है लोकसभा चुनाव में जाने के लिए यूसीसी का प्रोपेगेंडा खड़ा करना है। AIUDF के अध्यक्ष और असम के संसद बदरुद्दीन अजमल भी यूसीसी को लेकर भड़के हुए तेवर के साथ बयान देने लगे हैं। सांसद बदरुद्दीन ने कहा, जब सरकार विफल हो जाती है तो कुछ चमकदार लाना होता है। असम के CM हिम्मत बिस्वा शर्मा भी समय समय पर ऐसा ही करते हैं। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री PM मोदी को खुश करना चाहते हैं, ये चलेगा नहीं क्योंकि ये नेचर के खिलाफ है। बाकी इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद समाज में कई बदलाव होने वाले हैं। नए कानून में विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, उत्तराधिकार से लेकर तमाम सिविल मामलों को लेकर प्रावधान किए गए हैं। ये सारे प्रावधान बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सब पर लागू होंगे। मसलन 18 साल की उम्र में अगर लड़की की शादी होनी है तो यह कानून सारे लोगों पर लागू होगा। इस कानून को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, लेकिन माना जा रहा है कि यूसीसी जल्द ही पूरे देश में लागू होने जा रहा है। अब सवाल तो यह है कि जब यूसीसी को मानने के लिए हिंदू तैयार हैं, सिख जैन बौद्ध तैयार हैं, तो आखिर इससे मोदी विरोधी मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं को ही दिक्कत क्यों है? इस सवाल पर जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल RNews को भी फॉलो करें।